एमसीडी चुनावों में आपने अपना परचम फैला दिया है। संदीप दीक्षित हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। सर, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से जीत हासिल की है, उस पर क्या कहेंगे आप? पहले तो उनको मुबारकबाद, लेकिन ये अजीब सा चुनाव है। इसमें जो दोनों पार्टियां जिनको ज़्यादा सीटें मिली हैं, एक तरीके से दोनों की हार हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हारी है, 15 साल उसने कुछ नहीं किया बीजेपी एमसीडी में, तो उसमें सीधे सीधे उसने हार का सामना देखा और हारी वो। लेकिन जो माहौल आम आदमी पार्टी का बना था और जिस तरह से उसने कई बार माहौल बनाया था कि 150-200 इससे ऊपर सीटें आएंगी, वो बिल्कुल, मतलब आप समझ लीजिए, बिल्कुल मरी हालत में मुश्किल से जीत पाई आम आदमी पार्टी। और 25-30 सीटें तो एमसीडी के चुनाव में जहां 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार में जीत होती है, कोई बड़ी जीत नहीं होती है। तो ये तो दिल्ली के लिए, आगे की राजनीति के लिए ये चुनाव ने बहुत नई संभावनाएं आगे पैदा कर दी है। ये बात स्पष्ट हो गई है कि लोग ना भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं और ना आम आदमी पार्टी से खुश हैं। और इसीलिए कम से कम एक कांग्रेसी होकर मुझे तो इससे बड़ा उत्साह मिलता। हमारी पार्टी ने अच्छा नहीं किया, वो बात मैं मानता हूँ, लेकिन क्योंकि इन दोनों पार्टियों को जो जिस तरीके का समर्थन ये पा सकती थी, एक सिरे से लोगों ने वोट तो दिया है लेकिन बेमन से दिया है। सर, आपकी पार्टी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, 6 के लगभग सीटें हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि इतनी कम सीटें क्यों रह गई, कहां कमी रह गई? देखिए, कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। पिछले कई वर्षों से हम लोग जिस तरीके से क्रियाशील होना चाहिए था या एक अपनी तस्वीर हमको लोगों के सामने बनानी चाहिए थी, उसमें हम लोग विफल रहे हैं। हम लोगों के लिए कांग्रेस तो तभी मेरे ख्याल से दोबारा जीवित हो पाएगी अगर हम थोड़ा सा बैठें मिलके और एक लंबी रणनीति के हिसाब से लोगों को बताएं क्या कांग्रेस ने किया था दिल्ली के लिए, क्या बाकी लोग कर पाए हैं, और उसके बीच में जो संभावनाएं बनती हैं उसमें अपने आप को प्रस्तुत करें। लेकिन जैसे मैंने कहा, इस चुनाव से एक कांग्रेसी होने के नाते मुझे तो बहुत उत्साह दिखता है, और मुझे लगता है कि बीजेपी और आपके अलावा अगर कोई तीसरा ऑल्टरनेटिव, जो मेरे हिसाब से कांग्रेस है, अगर लोगों को बलशाली तरीके से सामने आएगा तो दिल्ली के लोग अब तीसरे विकल्प की तरफ जाएंगे। संदीप जी, आपने कहा कि कांग्रेस तभी जीवित हो जाएगी जब हम लोगों को दोबारा मंथन करने की ज़रूरत है। एक तरफ भारत जोड़ो आंदोलन हो रहा है, यात्रा की जा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष भी जो हैं वो चेंज हो गए हैं, जहाँ तक गांधी परिवार की बात हमेशा कही जाती थी, क्या वो भी चेंज हो गए हैं? तो अब और कौन से मंथन की आप लोग कर रहे हैं, और अगर 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 ज़रूरत है मंथन करने की तो मंथन क्यों नहीं कर रहे हैं आप? देखिए, ये मैं दिल्ली के संदर्भ में बात कर रहा था, दिल्ली राज्य के संदर्भ में। देखिए, ऊपरी स्तर पर अभी नए बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं, कई वर्षों के बाद पूरी प्रथा बदली है कांग्रेस किस तरीके से संचालित होगी। तो वहाँ से राहुल जी की यात्रा के बाद क्या हमको संदेश, क्या नई रणनीति मिलती है, वो वहाँ से मिलेगी। कुछ अंदेशा हुआ है कि हम दूसरी तरह की यात्राओं की तरफ भी जाएंगे, और खड़गे जी को भी ये धीरे धीरे हम लोगों को बताएंगे कि वो किस तरीके से संचालित करेंगे कांग्रेस को। तो हमें लगता है कि जो एक नया एक नेतृत्व, नई तरीके से काम करने की जो एक ऊर्जा आई है, उससे भी हमें बल मिलेगा। लेकिन दिल्ली में हम लोगों को मिल बैठ के तय करना पड़ेगा कि जो आज मुझे राजनीतिक संभावना दिखती है, उस संभावना को हम कांग्रेस पार्टी के रूप में किस तरीके से उसको अपना सकते हैं। एमसीडी में जो खराब प्रदर्शन हुआ उसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैं पहले कहा, पहले तो क्या हम लोग देते हैं किसी को? कोई भी आदमी जब किसी पार्टी की तरफ देखता है तो उसका संदेश क्या है, वो क्या करना चाहता है, वो क्या आगे करना चाहती है, तो दोबारा हम लोगों को बताएं। क्योंकि देखिए, एक चीज़ तो है, दिल्ली की जबान पर कांग्रेस के 15 सालों का काम, शीला जी का काम, आज हर आदमी बात करता है। तो ये तो कोई है नहीं कि हमें बताना है कि हम क्या तस्वीर हमारी है, हमें लोगों को ये बताना है कि जिस दिल्ली को आप याद करते हो, वो दिल्ली तो आपको कांग्रेस ही दे पाएगी। तो सुना आपने, ये थे संदीप दीक्षित, जिनका साफ कहना था कि कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ खराब रहा लेकिन उसमें मंथन करने की जरूरत है। कैमरा पर्सन शैलिन पाठक के साथ प्रीति श्रीवास्तव, टीवी 9 भारतवर्ष।